विचार जाते तो बाहर जाता है। कुमार का भाई डायरेक्टर देखिए जल्दी आओ जल्दी जाओ, एक तारीख से आना, 29 को जाना, आ जाना कल चले जाना। सतयुग में कोई राजा पाप उनका जन्म हुआ होगा, परंतु सतयुग कब था क्या पता नहीं। ठीक है, ये राधा और कृष्ण दो तीन साल कल का फर्क है, ये कब होता माता जन की बात है। संगम युग में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा और राधा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा जरूर अलग अलग क्यों ये है। वैदिक ज्ञान में जब आते हैं तो राधा वाली आत्मा पहले आती है, वैदिक ज्ञान ले लेती है 3-4 साल पहले, और सत्य के रूप में जिस आत्मा को संसार में प्रत्यक्ष होना है वो 3-4 साल के बाद वैदिक में आती है, इसलिए लिख दिया। यहाँ तो ज्ञान में पहले आना माना पड़ा, जो ज्ञान में बाद में आया वो छोड़। और Thank you.
आपकी परीक्षा क्या है? तिरसठ जन्म से गीता पढ़ते आए और भगवान ने आखिरी लक्ष्य क्या दिया? पुरुषार्थ का नष्ट हुआ स्मृति लब्ध। जो आखिरी परीक्षा है उस आखिरी परीक्षा में जो जब से ज्ञान में आता है तब से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक उसका ये लक्षण पक्का होगा। क्या? देह देह के पदार्थों और देह के संबंधियों से क्या नष्ट होगा। ऐसा कोई रूप देखने में नहीं आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि ईश्वरीय कार्य को छोड़ करके ईश्वरीय संबंधियों को छोड़ करके ईश्वरीय परिवार को छोड़ करके और लौकिक परिवार को वो आत्मसमर्पण करते हैं। आज से अंत तक उन आठ आत्माओं का ये रिकॉर्ड होगा। क्या? ज्ञान लेने के बाद नष्ट हुआ। किस बात से नष्ट हुआ? अपनी देह से नष्ट हुआ। रात दिन ईश्वरीय सेवा करनी पड़े, शरीर भी बीमार हो जाए तो भी ईश्वरीय सेवा करने से इनकार इनकार दूसरी बात देह के पदार्थों से नष्ट हुआ। कोई होते हैं ज्ञान में चल पड़ते हैं, ज्ञान में चलने के बाद सरेंडर भी हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये चाहिए इसके बगैर हम नहीं रह सकते, वह चाहिए उसके बगैर हम नहीं रह सकते। पदार्थों से मोह होने का नष्ट ही नहीं होता, वो नहीं होगा। और संबंधियों से भी मोह नष्ट होना दिखाई पड़ेगा। उसकी बात ईश्वरीय सेवा का बैलेंस होने का बहुत लंबा दौर और आत्माओं के ऊपर। और दूसरी आत्माएं यदा सदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की गुलामी करेंगी दूसरों के सामने, लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानी करते हुए नहीं देखे जाए। ग्लानी न करने का रिजल्ट क्या होगा? जो ग्लानी करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? जो सदगुरु की ग्लानी करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? माने ईश्वर के साकार पार्थ के नजदीक नहीं रह सकते हो। साकार इसमें ही बन करके नहीं रह पाएंगे रह सकेंगे। और जो महिमावंत होंगे भगवान की महिमा करने वाले होंगे वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आज से अंत तक कैसे दिखाई देंगे? सदगुरु की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे? साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ये
शिव ज्ञान में आए और उनको तड़प लग जा गई, तब नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सके। जो अगस्त वाणी में अभी बोला, क्या बोला, याद है, बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते। उन आत्माओं की ये विशेषता बताई, मन बुद्धि से है, मन बुद्धि से, मन बुद्धि से, मन बुद्धि से साक्षात से नजदीक है। अगर सिर्फ मन बुद्धि की ही बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती। सदा काल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अगर तुम्हारे को बोला गया जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना माया भी है, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। पूरा पहचान नहीं खाते हैं, पिघला नहीं करते या बन के रंग में आ जाते हैं तो काम दुष्ट संगीत के रंग में आ जाएंगे, दुष्ट बातों को सुनेंगे तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं कमजोर आत्मा होने के कारण। पावरफुल आत्मा होगी, श्रेष्ठ जन्म रामकृष्ण जैसी आत्माओं के संग में रही होगी तो दूसरों का संग करण उसको थोड़े लग सकता है। बाबा ये साथ रहना और ये मन बुद्धि का बात है ना, बाबा माना साकार का साथ कैसा है, मतलब 76 से लेकर अंत तक। मान लो अभी वर्तमान कर ले, जो भी अष्टदेव होंगे वो कंधे पे चढ़े चढ़े फिरते होंगे भगवान के, या नजदीक पर महसूस करते होंगे प्रैक्टिकल में। कोई परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, परिवारजन होते हैं, बाप दूर विदेश में चला जाता है, इतना दूर होते हुए भी वो नजदीक होते हैं बुद्धि योग से या दूर होते हैं बच्चे, क्यों होते हैं, है तो बहुत दूर। वही पूछ रहा हूँ ना बाबा, नजदीक का भी वो कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में नजदीक रहे हैं, बल दूर चला गए तो भी एक आवाज लगाएगा और तुरंत आ जाओगे। धरती से नहीं तो वाचा से, वाचा से नहीं तो मनसा से, मनसा से नहीं तो कर्मेंद्रियों से, कोई न कोई तरीके से कनेक्शन जुटा हुआ है। तो माता जी पूछ रहे हैं बाबा, राम ने युवान धनुष को छोड़ दिया ना, उसका ज्ञान का बेहद दर्द क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों से धनुष बनाया गया। अब यहाँ ज्ञान में दधीच ऋषि कौन है, ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया,
या मन के संकल्पों को तीव्र रूप से चलाने का पुरस्कार किया मन का अति का पुरस्कार नहीं किया, उनसे ज्यादा मन का तीव्र चलती थी मम्मा की, हटी हटी पुरस्कार किया बच्चों की सेवा, बच्चों की लैट्रिन भी उठाई बाबा ने, तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने के कारण दधी की ऋषि की हड्डियों का धनुष अर्थात शरीर रूपी रथ, उस शरीर रूपी रथ ने जितना हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया उसके जो धनुष बनाया गया, धनुष होता है ना, तो धनुष को जैसे जैसे खींचेंगे तो दोनों बाजू लपेंगे, फिर उसको ढीला कर देंगे दोनों फिर फैल जाते, ऐसा लकीला धनुष था शरीर रूपी धनुष कहो, रथ कहो, शंकर चाप जहाज कहो, बात एक ही, चाप माना धनुष, तो धनुष भी कहा जाता है, उसको जहाज भी कहा जाता है, शरीर रूपी नैया भी कही जाती है, एक नैया में बिठैया आत्मा होती है और एक होता है नैया का सिवैया, जहाज का सिवैया, जहाज का मुख्य चालक संचालक, इसको रथ भी कहते हैं, शरीर रूपी रथ, तो जो दही की रुचि का धनुष था हड्डियों का, उसको रावण भी नहीं हिला सका, रावण भी इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सका कि वो धनुष टूट जाता, माना उस शरीर रूपी रथ से जो किया हुआ पुरुषार्थ है उसको क्रैश कर जाता, रावण भी इतना बलवान नहीं हिला नहीं सका, और राम सीता के लिए क्या कहने, सीता के लिए कहते हैं कि जब धरणी में लिपाई कर रही थी वो करती है तो उस धनुष को यूं हाथ में उठा लिए एक हाथ से और दूसरे हाथ से जमीन की लिपाई को तय कर दी, उसी धनुष को राम ने तोड़ दिए, तोड़ देने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा ने जितना अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ नहीं कर पाया उससे जाति राम वाली आत्मा ने अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ करके दिखा दिया, इसलिए कहते हैं गधी की रथ की हड्डियों को से बनाए हुए रथ को राम ने दिया और किसी ने नहीं दिया, रंग में आई और हम उनकी तरफ आकर्षित हो गए,
श्रेष्ठ कर लो। तो जहां जहां जिनके साथ आकर्षित हुए वो आत्मा आराम से हमें अभी छोड़ने वाली नहीं है, वो कह रही है भागा रहे पहले हमसे तो लिखो। तो भगवान बाप को याद नहीं करने देती माया, माने कोई माया भी पुरुष है, कोई माया भी स्त्री है, कोई माया भी पदार्थ है, जिनकी याद बड़बड़ा है और भगवान बाप याद नहीं है। याद करना पड़ता है। जब ये 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाए तो फिर याद छूट जाएगी। याद छूट के नहीं करनी पड़ेगी, सहज याद हो जाए। अमानत में हया मत करना बहुत बड़ी बात है। अमानत में हया मत करना बहुत बड़ा पाप है। अमानत कहा जाता है कोई ने कोई चीज हमारे पास रख दी सुरक्षित रहने के लिए, इसलिए रख दी कि हमारे पास घर दुकान नहीं है, तिजोरी नहीं है, आप इस चीज को रख लो सुरक्षित रहेगी आपके पास, हमें आपके ऊपर विश्वास है। तो विश्वास धारण करके कोई ने अपनी चीज हमारे पास रख दी तो वो चीज को कहेंगे अमानत, और उस चीज को जो हमने लेकर के रख ली उसको हमने यूज कर लिया और बाद में कह दिया हमने हमको तुमने कब दिया, तो हो गई अमानत में ख्याल। जैसे पहले राजा ने लड़ाइयां लड़ते थे, विदेशियों के हमले होते थे, तो जो छोटे मोटे राजा होते थे वो बड़े राजा के पास अपनी सारी धन संपत्ति दीदी बाल बच्चों को बड़े राजा के रजराज में छोड़ दी, उस बड़े राजा के ऊपर विश्वास कर दिया, तो वो अमानत हो गई होगी। ऐसे विश्वास का अगर कोई करता है तो बहुत बड़ा पाप बन जाता है। ज्ञान में भी ऐसे ही हरे शिष्य धन शोक न हर ही सो नर घोर नरक में पड़े। कोई को कोई किसी को गुरु बनाकर और गुरु को धन अर्पण करता है, गुरु धन तो ले लेता है लेकिन उसके दुख दर्द की बात सुनता भी नहीं, तो जैसे उसने धन अर्पण कर लिया। यहां भी ज्ञान में है ज्योति बिंदु शिव आकर के तो कुछ नहीं लेता, किसी भी कुछ लेता है क्या, वो तो कुछ किसी भी लेता नहीं, निमित्त बनाता है। राम की आत्मा को निमित्त बनाएगा, कृष्ण की आत्मा को निमित्त बनाएगा, राम संप्रदाय की आत्मा को निमित्त बनाएगा, रावण संप्रदाय की आत्मा को निमित्त बनाएगा, कौरवों को निमित्त बनाया, पांडवों को निमित्त बनाया। कहा कि जुआ खेलो, कौन सा जुआ खेलो, तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बाल बच्चे सारी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करो, ये जुआ खिलाया कि नहीं। खेलने वालों ने जुआ खेला, किसी ने सच्चाई से खेला और किसी ने झूठ होकर के खेला, तो जैसा जिसने खेल खेला
वैसा उसको प्रतिफल मिल जाता है। हेलो, स्पर्श किया जाता है ना, ऐसे उसका नाम है असली स्पर्श राम। जो भी क्षत्रिय राजाए थे उन्हें क्षत्रिय राजाओं का स्पर्श पा दिया, और जो ब्राह्मण थे उनकी रक्षा क्या है ज्ञान की बात है। क्षत्रिय किसको कहा जाता है? जो बावल को यूज करते हैं, फेल हो जाते हैं इंजुरी ज्ञान में। भगवान बाप ने तो बावल को यूज करना नहीं सिखाया, लेकिन क्रोध आ जाता है बावल यूज कर देते, या तो बाहु से कमाया हुआ धन यूज कर देते, किसी को रिश्वत दे दी और उल्टा इल्जाम, उल्टा केस कर दिया, ये भी क्या हुआ? बाहुबल हुआ। तो ऐसे बाहुबली क्षत्रियों को कोई भी आत्मा हो, कोई भी शरीरधारी पुरुषार्थी हो, उसके बारे में शुभ संकल्प करना है या अशुभ संकल्प करना है? उसके बारे में संकल्प करना ये कब शरीर छोड़ेगा, ये तो अशुभ हो गया। अगर शरीर छोड़ देगा तो आंख के साथ तो बच्चा बनना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ तो कर ही सकेगा, तो ये तो अच्छा संकल्प नहीं हुआ। गुंजाटा जी के लिए सोचते हो कोई, अरे गुंजाटा जी द्वारा जो पाठ चल रहा है ये कब खत्म होगा? अरे तुमको क्या परेशानी आ रही है? अच्छे अच्छे पॉइंट तुमकी सुनने को मिल रहे हैं, धारणा के पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा संकल्प क्यों करते हो? तो गुंजाटा जी शरीर छोड़ दे, अभी तो बहुत बुरे होंगे, लेकिन जो नक्सलवाद को दिखाते हैं तो नौजवान, तो दूसरे बड़े आत्मा आएंगे क्या यही जरिए से जो बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के उनका पेंशन काया नहीं हो सकता? ए तो नहीं कहा कि उम्र के आधार पर पेंशन काया होनी है, पुरुषार्थ की बात है। जो आर्थिक स्थिति के पुरुषार्थ में सीखे सीखेंगे उनका पेंशन काया होगा, आर्थिक स्थिति के पुरुषार्थ में नहीं सीखेंगे देवान में आते रहेंगे तो उनका दर्जन काया नहीं होगा। शरीर वैसे ही रहता है।
क्यों बूढ़ा रहेगा? जब आत्मा पावरफुल बनेगी, नहीं बनेगी, आत्मा की स्थिति वाली वाली बनेगी, आत्मा परिस्थिति में स्थित होगी तो स्वर्ग में जाने योग्य शरीर बनेगा या नर्क वाला शरीर रहेगा, हीरो वाला शरीर रहेगा? परिस्थिति की बात है, ये परिस्थिति बड़े से बड़ी दवाई है। वो योग करते हैं, आसन चढ़ा लगाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, वो इसीलिए तो चढ़ाते हैं, शरीर स्वस्थ बने। वो उनका योग होता है, आज तक कोई भी कल्चर काया वाला बना नहीं। लेकिन जो भगवान राजयोग सिखाते हैं वो ये नहीं कहते बूढ़ों को नहीं सिखाऊंगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोई कैसा भी हो, ये ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग सबके लिए है और सबके लिए गारंटी है कि जो आदमी की स्थिति में टिकेगा, भगवान बाप को एक को याद करेगा, उसकी कल्चर काया इसी जन्म में बनेगी। तो अभी बहुत हमको बुद्धि में एक बात आता है, क्या कोई बताता है तो बूढ़े होते हैं तो आने वाले जो नारायण होता है तो नौजवान ही आता है, तो शुक्र में करते हैं जो नौजवान नारायण बताते हैं। ब्रह्मा बाबा की आयु 47 में कितने थे? 60 ईयर। 47 में ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी? 60 ईयर। और 67 में 20 साल के बाद कितनी हो गई? 80 ईयर। 80 ईयर में उन्होंने शरीर छोड़ा। जो राजयोग था और जो ज्ञान था वो परिपक्व तो नहीं था, पक्का ज्ञान था, पक्का योग था, या अधूरा योग और अधूरा ज्ञान था? अधूरा योग था, अधूरा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि जो भगवान का सच्चा पार्टधारी है उसकी पहचान उनको नहीं थी। जब भगवान के सही पार्ट की ही उनको याद पहचान नहीं हुई तो फिर योग कैसे लगेगा सच्चा? उन्होंने बिंदु को याद किया और उनके फॉलोअर्स ने भी किसको याद किया? बिंदु को याद किया, तो जड़ की यादगार होगी। जड़ को याद करना कोई योग नहीं है, हमें चैतन्य से प्राप्ति करनी है, चैतन्य को याद करना है। और चैतन्य को याद करेंगे तो चैतन्य भगवान से हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा। जड़ मूर्तियों से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में जड़ मूर्तियां रखी हैं, उन्हीं ने तैयार की सबसे पहले, आज से 2,500 साल पहले। उन जड़ मूर्तियों के आधार पर उन्होंने शास्त्र बनाए। पहले मूर्तियां बनी, बाद में शास्त्र तैयार हुए उन मूर्तियों को देख करके, तो वो शास्त्रों का ज्ञान सच्चा हो गया क्या? जड़ मूर्तियों से जो ज्ञान निकलेगा वो सच्चा नहीं हो सकता। भगवान स्वयं आकर के शक्ति पर चैतन्य रस में प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है, और ज्ञान अधूरा नहीं सुनाता कि ब्रह्मा के मुख में आकर के ज्ञान सुनाया और बोल भी दिया। क्या अभी इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे? किस समय? इस समय ब्रह्मा के मुख से सुना रहे थे, उस समय बताया कि इसे गीता ज्ञाना अमृत नहीं कहेंगे। अमृत क्यों नहीं कहेंगे? अमृत पी करके देवता अमर हुए तो अमृत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करके निकलता है। शास्त्रों में लिखा भी है, सागर मंथन हुआ अमृत कलश
निकला। तो मंत्र करने के बाद अमृत का लग निकलता है। ब्रह्मा दादा के मुख से जो बोल दिया, सौ ब्रह्मा कुमार कुमारों ने सुन लिया, उसका बुनियाद क्या है वो किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। ऐसे ही घोषणा कराई थी संचक्र में दुनिया में विनाश हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, चित्रों में छपाई दिया, ज्ञान को पत्रिका में छपाई दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे दिया, अखबारों में भी छपा दिया था उस समय। क्योंकि सही बात बुद्धि में नहीं बैठी। अरे विनाश इतनी बड़ी दुनिया का कोई चुटकी बजाते ही हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा भी नहीं। मकान बनाने में भी टाइम लगता है, तो मकान बिगाड़ने में भी टाइम लगता है। मुझे में एक तरफ बोला हुआ कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रचलित हुई। यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों को पहले आग लगेगी कि पहले दुनिया को आग लगेगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी कि सन चक्र में जो ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुई, वो तो दुनिया में देवतर शुरू हो जाएगा। दो पार्टियां बन गई, दूसरी पार्टी का उन्होंने खुद ही नाम दे दिया शंकर पार्टी। अरे शंकर पार्टी आ गई, अरे कान बंद करो मुसलमान करो, अल्लाह किसी की बात नहीं। तो दो पार्टियां हो गई। ये बिना शुरू हो गया ब्राह्मण दुनिया में, सख्त विरोध हो गया। उस विनाश की बात सही थी कि संचेतन से ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है प्रत्यक्ष होगी। इसलिए मुझे बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। संख्या शक्ति मानी संख्या शक्ति उल्टा क्या तो घुमाएंगे तो 10 वर्ष कम रखो, पूरा क्या कम रखो तो संचक्कर आता। संचक्कर लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लें, बच्चा जन्म लेता है तो बाहर संसार में प्रत्यक्ष ही तो होता है, तभी तो बाहर आकर जन्म लिया। वो हद का जन्म है और ये बेहद का दिव्य जन्म। भगवान की शक्ति पर आते हैं तो दिव्य जन्म लेते हैं, कोई स्कूल धर्म का जन्म थोड़े लेते हैं। तो ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान का मंथन नहीं किया। वो मंथन न होने के कारण अमृत रस नहीं कहा जा सकता। अमृत रस कब निकलता है? जब जो भी मूल्यां सुनाई गई उन मूल्यों की गहराई में उसमें मन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट निकलते, नई नई बातें निकलती है, शास्त्रों के सारे राज क्लियर हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी से कहो शास्त्रों में क्या सच्चाई है, तुम्हें शास्त्र पर अरे दुनिया मान लेगी इस बात को? शास्त्र पर झूठे है इतना कहने से दुनिया नहीं पड़ी। अगर शास्त्र पर झूठे ही है तो मुरलियों में उन शास्त्रों की बातें क्यों बोली गई? शास्त्रों में सच्चाई है ना, तब तो शास्त्रों की बातों को भगवान ने उठाया। अभी अभी एडवांस ज्ञान मिलने से उन शास्त्रों का सारा अर्थ क्लियर होता है। मुरली ने भी ये बात बोली, क्या मुरली ने भी बोला है रामायण में महाभारत में भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम इस समय टैली कर सकते हो। वर्तमान समय में भी जो पाठ चल रहा है उस पाठ से तुम उसको टैली कर सकते हो, एक एक बात टैली कर सकते हो। टैली करने की दरकार नहीं है, फालतू माता पत्ती करने से क्या फायदा, अपना कुछ साठ करें। लेकिन
अगर कोई करना चाहे तो शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उन बातों को वर्तमान संगम की बातों से टैली किया जाए, वो यहाँ की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। रामायण की यादगारी इसी समय की है, महाभारत की यादगारी इसी समय की है, देवासुर संग्राम में जो भी बातें लिखी हुई है वो सब इसी समय की यादगार है, भागवत की बातें भी यहाँ की यादगार है। पहला जन्म तो तब कहा जाएगा जब निरोगी काया बने, क्या आत्मा जो है वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म लेने से पहले, तो उसके जन्म कहा जाता है, क्या गर्भ होता है माँ का, आत्मा आती है गर्भ में प्रवेश करती है, प्रवेश करने से 4 महीने पहले वो व्यक्ति वहां जिंदा होता है, व्यक्ति जिंदा है और 4 महीने पहले से माँ के पेट में गर्भ तैयार होता है उसके संसारों के अंदर, तो गर्भ धारण किया उसको भी जन्म नहीं कहेंगे, उस गर्भ में आत्मा आके प्रवेश कर देती है, शरीर छोड़ देती है उधर और यहां प्रवेश कर जाती है तो भी जन्म नहीं कहा जाता। जब बच्चा बाहर आता है संसार में प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म, यहां भी ऐसे ज्ञान में आने मात्र से कोई का जन्म नहीं पक्का, क्योंकि जन्म तो शरीर के द्वारा माना जाता है, आत्मा बिना शरीर के जन्म धारण करती है क्या? आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर छोड़ती है तो मृत्यु बाहर आता है, तो जन्म असली तब कहेंगे पहला जन्म जब ये शरीर के 5 तत्व भी निरोगी बने, जो 5 तत्वों को निरोगी बनाने के लिए ऋषियों मुनियों ने कितनी तपस्या की, कितना अभियोग किया, प्राणायाम किया, कितने आसन लगाए, उल्टे होके खड़े रहे, परिवर्तन नहीं हुआ शरीर पर, बाप कहते हैं ये सब देह के योग है, देह के योग विनाशी है, देह भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का आ जाता है मन बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो ये मन बुद्धि बीज है, ये शरीर रूपी वृक्ष है, मन बुद्धि एकाग्र होगा स्वस्थ हो जाएगा तो ये शरीर भी स्वस्थ होने, उनके 70 साल हो गए, 70 साल से हम राजयोग सीख रहे, अरे 70 साल से राजयोग सीख रहे हैं, जब समझाई नहीं तो सीखना कैसे होगा, पहले कान से सुना जाता है फिर बुद्धि से समझा जाता है, समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, तो सुनना सुनाना कब तक हुआ है? 76 तक सुनना सुनाना ही करते रहे, बुद्धि ने समझा किसी ने नहीं, किसी ने समझा नहीं कि भगवान किसे कहा है, वास्तव में विनाश कैसे और कब होगा, वास्तव में नई दुनिया की पालना कब होगी, कैसे होगी, किन के द्वारा होगी, जब बुद्धि में बात समझ में ही नहीं बैठी तो प्रैक्टिकल में राजयोग कैसे सिद्ध होगा, तो ज्ञान में आने मात्र से कोई नया धर्म साबित नहीं हो जाता, नया धर्म तब कहेंगे जब शरीर के 5 तत्व भी साक्षी बन जाए।
पहले मनु उसी सात्विक बने। जो भी संपर्क संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, कोई भी उंगली ना उठाएगी हमको दुख देने वाला। तब कहेंगे आत्मा सात्विक सतो प्रधान बने। ऐसा बाप खुद, बाप पसंद, परिवार पसंद, ब्राह्मण परिवार में क्या पसंद करे, ये तो जैसे पक्का ब्राह्मण को देवता बन। अब स्वपसंद अपने अंदर भी लगे कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंदर से आत्मा संतुष्ट रहे, असंतोष ना आए। तो स्वपसंद, बाप पसंद और परिवार, बाकी दुनिया तो कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया वालों को मनुष्य से देवता बन नहीं थी, तो ग्लानी करेगी तो अच्छा चलेगा। हैं अपनी घोट को नशा चलेगा। इसका मतलब ये है अपनी घोट को नशा करेगी, तो अपनी भांग अपने आप घोटता है उसको ज्यादा नशा करता है। भांग किसी ने और भी घोटी और पीता कोई दूसरा है, तो पीने वाले को जितना नशा करेगा उतना उससे ज्यादा नशा घोटने वाले को। मतलब जो ज्ञान का मंथन करेगा वो ज्यादा नशा करेगा, और मंथन किया हुआ जो ग्रहण करेगा उसको उतना नशा नहीं करेगा। अब कभी भी जो राम बाप ने मान चिंतन नंबर किया वही चिंतन कर रहे हैं ना, कर रहे तो उतना करना नहीं कर सकता जो आंख तक अनिश्चय बुद्धि होकर गिरे, जो तारा बन के रहे, कुछ ना कुछ अनिश्चय बुद्धि होते रहते। चलो पत्नी उसे कहा जाता है जो पति को फॉलो करे। अगर फॉलो करती है रचना रचयिता को फॉलो करती है, बात मानती है तो पत्नी है। 100% बात मानती है तो पति के पुरुषार्थ का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। अगर 50% बात मानती है और 50% नहीं मानती, 50% बातों को फॉलो करती है 50% बातों को फॉलो नहीं करती, तो उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए या पति के पुरुषार्थ का आधे का आधा मिलना चाहिए, ये हिसाब है। बाबा हाँ साइंस तो चांद पे गया है, साइंस जो लोग हैं वो चांद पे जाके आए हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर में जो ट्रायंगल है उसके अंदर संशोधन क्यों नहीं करते? ब्रह्मणा ट्रायंगल आप भी नहीं करते साइंस? कहाँ चंद्रमा और कहाँ सागर, किसके लिए गाया जाता है, किसकी था ली जा सकती है और इसकी था नहीं ली जा सकती। चंद्रमा के लिए कहते हैं कि चंद्रमा की थाल ली जा सकती है नहीं ली जा सकती, क्या कहते हैं? चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, पहुंच है, लेकिन सागर की थाल कोई नहीं ले सका आज तक। बरमूडा ट्रायंगल की साइंस ना चाहे जितने भी साइंस में आगे बढ़ जाए लेकिन वहां हार जाते, उस हिस्से को छोड़ दिया। उन्हें पराबैंक मनोवैज्ञानिक शक्ति का पता ही नहीं।
बाबा चोरी विश्वविद्यालय के रिजल्ट सब आना शुरू होंगे माने अभी त्रिदेव और अष्टदेव का रिजल्ट शुरू नहीं हुआ क्यों त्रिदेव और अष्टदेव कौन है ये आपको पता ही नहीं चला बाकी अरे ये कोई इसका कोई हिसाब है आज प्रत्यक्ष हो जाएंगे अरे बाकी के सब सर 100 प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना अरे और बाकी के 16,000 तो आपके प्रश्न का जवाब तो हो गया कि कब से रिजल्ट शुरू होगा निकलना तो रिजल्ट तो निकल रहा है दुनिया में भी परीक्षा होती है तो जो अव्वल नंबर पास होता है उसको पहले आउट कर दिया जाता है फिर नंबर बार प्रत्यक्ष कर दिए जाते हैं पास निदान ऐसे यहाँ भी है और अभ्यवाणी में बोल भी दिया है और जो नंबर बचे हुए हैं वो जल्दी जल्दी अब आउट होंगे इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा अभी टू लेट का बोर्ड लगा है क्या सूर्यवंशियों ने जो अव्वल नंबर पार्ट जारी है उनका पार्ट खुला है टू लेट का बोर्ड लगा है वो लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा अभी भी चाहे तो अष्टदेव में 9 सीट वो 6 सीट खाली है और राधा कृष्ण तमाम जो बच्चे होंगे एक दुनिया में जन्म लेंगे अपना दुनिया में जैसे राधा कृष्ण नई दुनिया में जन्म लेंगे पुरानी दुनिया में राधा कृष्ण कहाँ जन्म लेंगे पुरानी दुनिया वाले उनको देख सकेंगे पुराने शरीर वाले उनको देख सकेंगे हाँ तो उनका नई दुनिया में जन्म होगा ना इसीलिए नई दुनिया होगी पहले छोटी होगी फिर बड़ी होगी छोटी होगी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9,00,000 भी हो जाएंगे बाबा यहाँ पे नीलकंठेश्वर का मंदिर है नीलकंठेश्वर का मंदिर है नीलकंठेश्वर बहुत बड़ा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे बड़ा शिवलिंग का यहाँ पे मंदिर है क्या है 12 ज्योतिर्लिंग से भी बड़ा ज्योतिर्लिंग है बड़ा काम क्या है जो चलो उस मंदिर की बात छोड़ दो जो और जो शिव के मंदिर हैं उनमें शिव के मंदिरों में क्या बड़ा काम दिखाया गया शिव के मंदिर में जो शिव का काम दिखाया गया है स्थिति दिखाई गई है वो क्या बड़ी स्थिति दिखाई गई कीचड़ में है लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी उपराम स्थित है तो उसका खुलासा नीलकंठ मंदिर में कर दिया गया कि सारा उन्होंने विष पी लिया फिर भी मस्तक में उसका कोई असर नहीं हुआ बुद्धि प्रभावित नहीं हुई नहीं तो विषयी विकारी जीवन जैसे ब्रह्मा कुमार का बनता है जिन दिनों में उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है फिर ठहरा रहता है उड़ जाता है न सुनने की इच्छा होती है न सुनाने की इच्छा होती है लेकिन नीलकंठ के पार्ट की ये यादगार है विष तो पिया लेकिन किस तरह पिया इस तरह पिया कि मन बुद्धि के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो पाया ब्राह्मण तो देवता नहीं बन सकेंगे अथवा संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता नहीं बन सकेंगे
तो ब्राह्मणों की भी तो नौकुरियां गाई हुई है, तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरी के होंगे वो बचेंगे, निश्रेष्ठ पुरियों के होंगे तो नहीं बचेंगे। गौरी शंकर में गौरी लक्ष्मी की आत्माएं, गौरी शंकर कहा जाता है तो गौरी लक्ष्मी की आत्माएं हैं, गौरी किसकी आत्माएं, लक्ष्मी की आत्माएं हैं, गौरी गौरी की आत्मा है और गौरी शंकर में गौरी को पहले क्यों रहता है कि तो गौरी के बगैर शंकर जी भी घोड़े नहीं बनते, उनके दोनों तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला काला भयंकर रूप भी दिखाते हैं, फिर उनका सौम्य रूप भी दिखाते हैं। शंकर में प्रवेशता है, हाँ प्रवेशता भी होती है और फिर संपन्नता भी होती है, ऐसे थोड़े ही कि बाप सदैव ही प्रवेश होकर के रहता है, नहीं तो ये गायन कैसे होता है। शिवशंकर एक है, क्या कारण है, जरूर शंकर ने याद का ऐसा पुरुषार्थ किया है लवलीन होने का कि जो शिव की तेज तो शंकर की से, इसलिए शिव के साथ एक ही देवता को मिलाया जाता है, न विष्णु को मिलाते हैं, न ब्रह्मा को मिलाते हैं, न और कोई 33 करोड़ देवताओं में से किसी को मिलाते हैं। तो या तो उन आत्माओं में भी कोई कमजोरी हो सकती है, या तो कोर्स कराने वालों में इतनी अशक्ति है कि कोर्स फोर्स नहीं भरते हैं, केवल वो हिम्मत ही नहीं कर रहे सुनने के लिए, घर पर भी नहीं आना चाहते। हाँ जो कोर्स कराने वाले हैं उनमें भी तो कोई कमी होगी, बच्चा पावरफुल कब पैदा होगा है, जब माता पिता पावरफुल हो तो बच्चा भी पावरफुल हो, बीवी कमजोर है वो आने वाले आत्माएं कमजोर है, वो आत्माएं अपने आप कमजोर हो जाती है, पिता पावरफुल है, रचयिता पावरफुल तो रचना भी पावरफुल। उदाहरण के लिए धर्म पिताओं को देख लो, जितना पावरफुल धर्म पिता उतनी पावरफुल होने की प्रजा पालोअर तो जो रचयिता बन के बैठते हैं उनमें इतनी पावर होनी चाहिए ना, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, वही उनको बोले पूरा अपने वो भी इससे जाएगी कि सुनना सुनाना ही बंद हो जाएगा, दृष्टि मात्र का ही असर हो जाएगा। जैसे नेहरू जी के कोई भी कितने भी विरोधी होते थे पीछे से बहुत विरोध करते थे, और जब सामने वो भाषण देने आते थे तो उनके अनुकूल बन जाते थे, ये कौन सी ताकत थी, वाइब्रेशन की पावर थी, आत्मा में पावर थी। और भगवान भगवान ज्ञान में तो हम चल रहे हैं और ज्ञान तो रोज अच्छा लगता है, और उसमें कुछ परिवार वाले यदि कोई सहयोग देते कोई नहीं देते, कोई ज्ञान भी चलते कोई नहीं चलते, बच्चे भी अभी शादी शुद्धि तो आते हैं तो उनके भी अभी कहीं समाज वाले पूछते रहते हैं क्या करना कैसे करना, प्रॉपर्टी के लिए भाई घर नहीं बनाना ऐसा कहते, फिर वो रहने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और सर्विस करते हैं तो समझो तंग भी हो जाते हैं, यानी टेंशन बहुत आता है, पर सर्विस छोड़ने की इच्छा होती है, ये ज्ञान ऐसे जैसे जैसे अपन ज्ञान भी रहे थे तो ऐसे समझ में क्या हल करना कैसे करना चाहिए। उसी में बाबा ने ये हमारे लिए नहीं बोला, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, फालतू बात, असली ज्ञान तो हमने सुना हुआ है, सच्चाई क्या है वो तो हमें पता पड़ गई ना,
तो हम झूठ से प्रभावित क्यों? हियर नो एविल किसके लिए बोला गया? और सबसे पीछे पीछे आने वाले पिछाड़ी में आने वाले आप लोगों का क्या हिसाब किताब रहेगा? आप कहते हैं वो सबसे पीछे आते हैं कि आगे आते हैं? विनाश के समय जब परम धाम से नीचे आते हैं हाँ? तो पाप पुण्य का क्या हिसाब रहेगा? कर्म ही नहीं करते ना, वो हिसाब होगा जो आज तो अंत दो चार साल हमारी सर्विस लग गई तो अभी दिन पे दिन क्या होता है वह ना जा रहा है तो अच्छी बात है ना। कहते हैं ना दिल बैराग विवेक न हो, जब तक बैराग नहीं आएगा तब तक ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं कर सकता। नौकरी करना है कि छोड़ना है करना तो नहीं मालूम हो रहा है, चार पाँच साल तो लगे अगर ज्ञान में बिजी रहना है तो मालूम होता है नौकरी तो दोनों है। तो आप नहीं जानते कि श्रेष्ठ कौन सी नौकरी है और भ्रष्ट कौन सी नौकरी है? लेकिन ये भी कहते हैं कि वो नौकरी छोड़ देना तो आसान है, लेकिन इसी गवर्नमेंट की नौकरी पर काबिज होना वो फिर माया छोड़ दे तो बड़ी बात है। नहीं तो नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ माया पकड़ लेती है। घर में बैठेंगे बेकार तो क्या हुआ, माया का कारखाना तैयार हो जाएगा। सेंटर पर जो बैठे वाले जो है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो ज्ञान की चर्चा के लिए क्यों नहीं आते या बुलाते क्यों नहीं? तो सेंटर पर बैठने वाले जो है उनका नारा क्या है? उनका नारा है अंधेरा कायम रहेगा। दादी का नारा क्या है? ज्ञान सुनने देगी तो परंपरा डाली हुई है, कान में उंगली दे लो न सुनेंगे और न दूसरों को सुनने देंगे। हो गया।